नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरीडे स्टडी में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट की यहाँ पर कमेंट्स आ रही थी कि एएलपी एंड टेक्नीशियन के डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने टाइम्स या कितने परसेंटेज कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर CEN 1 2014 में एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी विथ वैकेंसीज के साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने टाइम्स जो थे जो यहाँ पर स्टूडेंट को डीवी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। तो मैंने यहाँ पर दो पीडीएफ डाउनलोड की है। पहली जो हमारी पीडीएफ है वो यहाँ पर आरआरबी भोपाल जोन की है, एंड सेकंड जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर डाउनलोड की है वो आरआरबी अहमदाबाद जोन की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पीडीएफ में भोपाल जोन में हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं एएलपी की कितनी थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर CEN 1 2014 में कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट यहाँ पर एएलपी एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि भोपाल में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो आप देखेंगे 638 वैकेंसीज, जिसमें UR 352, ST 96, ST 42 एंड OBC 148 वैकेंसीज। और रिसेंटली आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 1100 के समथिंग वैकेंसीज है, एंड टोटल यहाँ पर साइको के लिए जो एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं वो यहाँ पर 8893 कैंडिडेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज थी 2014 में वो यहाँ पर थी 638 वैकेंसीज भोपाल जोन में। अब देख लेते हैं यहाँ पर डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स जो हैं जिनको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल जाएंगे जो कि डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। तो ये रहे यहाँ पर 912 कैंडिडेट्स, ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है डीवी के लिए। तो आपके यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते थे कि 638 वैकेंसीज थी, एंड इसका अगर आप देखते हैं 1.5 टाइम अप्रोक्स, या तो आप कह सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो हैं उसका 50% आप देखते हैं तो वो यहाँ पर आपके बुलाए गए थे यहाँ पर डीवी में, यानी कि टोटल 912 कैंडिडेट्स को। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 638 वैकेंसी से कितने कैंडिडेट्स जो हैं जिनको यहाँ पर ज़्यादा बुलाया गया, तो वो होते हैं हमारे यहाँ पर 274 कैंडिडेट्स को। यानी कि 274 कैंडिडेट जो हैं इन्हें हम यहाँ पर कहते हैं वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो 638 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर कोई कारणों सर मेडिकल में या तो फिर यहाँ पर जॉब को छोड़ देते हैं, आगे यहाँ पर जॉब लगने के बाद जॉब को रिजेक्ट कर देते हैं, या कोई भी कारणों सर यहाँ पर जॉब छोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ पर 274 कैंडिडेट जो कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट थे तो इनको यहाँ पर चांस दिया जाता है उस जॉब के लिए। उनका डीवी यहाँ पर हो चुका होता है तो उनका यहाँ पर डायरेक्टली मेडिकल कर दिया जाता है, और मेडिकल में पास होने के बाद डायरेक्टली उनको यहाँ पर जॉब दे दी जाती है। इसी तरह से ये जो आपका 1.5 टाइम्स है भोपाल जोन के लिए, तो दोस्तों ये जो होता है वो हर जोन के लिए यहाँ पर वेरी करता है। बिकॉज अगर आप आरआरबी अहमदाबाद जोन में मैं आपको दिखाता हूँ तो वो यहाँ पर आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर जोन वाइज डिपेंड करता है। किसी किसी जोन में यहाँ पर 1.3 टाइम्स बुलाए जाते हैं, तो किसी जोन में यहाँ पर 1.2 टाइम्स कैंडिडेट भी होते हैं जिनको डीवी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन में कितने कैंडिडेट्स जो हैं जिनको यहाँ पर डीवी के लिए सिलेक्ट किया गया है एएलपी में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की जो एएलपी की पीडीएफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 2014 की, वो यहाँ पर मैंने ओपन कर ली है। तो आप देख सकते हैं CEN 1 2014 में असिस्टेंट लोको पायलट अहमदाबाद जोन की पीडीएफ है ये यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है तो वो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट हो जाते हैं यहाँ पर 1054। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो भी यहाँ पर 1054 वैकेंसीज थी, और यहाँ पर इनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था डॉक्यूमेंट के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, इन एडिशन टू दी अबो टोटल 169 कैंडिडेट वूज रोल नंबर आर गिविंग इन एनेक्सर टू जो है उनको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, जिन्हें हम यहाँ पर कहते हैं वेट लिस्टेड कैंडिडेट। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उसका यहाँ पर टोटल 1.15 टाइप्स कह सकते हैं आप जो वैकेंसीज के वो यहाँ पर सिलेक्ट किए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपका यहाँ पर डिफर करेगा या वरी करेगा यहाँ पर आपके जोन वाइज। जैसा आपका जोन होगा वहाँ पर आपका जो है वो डीवी के लिए यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स भी ले सकते हैं और कम कैंडिडेट्स भी यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने जो लोग हैं जिनको यहाँ पर डीवी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये भोपाल जोन में टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पर ELF करके कोई पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज जो थी वो यहाँ पर 6 वैकेंसीज थी, एंड टोटल यहाँ पर जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे यहाँ पर डीवी के लिए वो भी यहाँ पर 6 कैंडिडेट ही थे। यानी कि अगर आपका यहाँ पर कोई भी एक कैंडिडेट रिजेक्ट होता है तो इससे नीचे का जो रैंक होगा 7th नंबर का वो यहाँ पर कैंडिडेट बुला लिया जाएगा डीवी के लिए, एंड फाइनली यहाँ पर जो है उसका मेडिकल होने के बाद उसको यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी। यानी आपके टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है उसमें आपके यहाँ पर डीवी के जितने कैंडिडेट होते हैं आपकी वैकेंसी में उतने ही कैंडिडेट आपके डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं। चलिए यहां पर एक और पोस्ट के लिए यहां पर देख लेते हैं कि टेक्नीशियन में कितने जो यहां पर कैंडिडेट है जिनको यहां पर सिलेक्ट किया गया है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है मशीन ऑपरेटर की पोस्ट, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर 5 थी भोपाल जोन में, और टोटल कैंडिडेट जो थे उनको भी यहाँ पर 5 ही सिलेक्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेड 3 टर्नर, तो जहाँ पर पोस्ट जो थी वो एक थी और कैंडिडेट भी यहाँ पर एक ही सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डर की पोस्ट के लिए, तो टोटल वैकेंसीज जो थी वो यहाँ पर 7 थी और कैंडिडेट भी यहाँ पर जो थे वो 7 सिलेक्ट किए गए थे। तो इसी तरह से दोस्तों जितनी पोस्ट होती है उतने ही कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं टेक्नीशियन में, और इस बार यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके डीवी के लिए 1.5 टाइम्स भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे जो है वो मेडिकल में कुछ फेल हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है वो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से आसानी रहती है बुलाने में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।